हेलो दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं सिल्हौरी, जो कि बिहार के छपरा जिला के मढ़ौरा प्रखंड में है। यहाँ भगवान शंकर का टेम्पल है। तो अंदर चलते हैं, बहुत ही कंजेस्टेड रोड है, यहाँ से ही मंत्रों का उच्चारण सुनाई दे रहा है। तो कार पहले पार कर लेते हैं, फिर टेम्पल के अंदर जाएंगे। तो ये टेम्पल का मुख्य द्वार है, कुछ प्रसाद और फूल यहाँ से ले लेते हैं। शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए बेल पत्र और जल यहाँ पे मिल जाएगा। मंदिर में जाने से पहले एक फोटो तो बनता है दोस्तों। मंदिर परिसर में स्थित इस कुएं को कहा जाता है नारद मोह भंग का कुआं। कहा जाता है देवर्षि नारद को अपनी तपस्या पर अहंकार हो गया। उसके अभिमान को भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने एक मय नगरी की स्थापना की। इस मय नगरी के राजा बने शीलनिधि। राजा शीलनिधि की पुत्री विश्वमोहिनी का स्वयंवर रचा गया था। विश्वमोहिनी के हस्तरेखा के अनुसार उसका वर तीनों लोगों का स्वामी होगा। उसके सौंदर्य और तीनों लोगों के स्वामी के होने की बात से देवर्षि नारद विचलित हो गए। उन्होंने उस स्वयंवर में जाने का मन बना लिया। भगवान विष्णु से हरि रूप यानी भगवान के आकर्षक मुखमंडल की मांग की। इसके बाद स्वयंवर में शामिल होने गए, लेकिन वहां तिरस्कृत हो गए। तब कुएं में झांक कर देखा, वे अपने सकल बानर जैसे देखकर कुपित हो गए। वहीं विश्वमोहिनी को लक्ष्मी एंड वर को विष्णु देखते ही आक्रोशित हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु को साप दे दिया कि त्रेता युग में जब वो अपनी पत्नी के वियोग में भटकेंगे तो वानर ही उनकी सहायता करेंगे। फिर देवताओं द्वारा सत्य से अवगत कराने पर उनका मोह भंग हो गया और देवर्षि नारद शांत हो गए। सिल्हौरी छपरा शिव मंदिर एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है और हर साल हजारों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। Yeah.
तो अब हम चलते हैं गिरदेवी माँ का मंदिर जो यहाँ से पास में ही है। अगले वीडियो में आपको दर्शन कराएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आया हो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।